सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज मैं क्षितिज भाग दो से उत्साह कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, उसको लेकर के आज आई हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं कवि परिचय की तरफ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तथा महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी और आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। बच्चों, उत्साह एक आवाहन गीत है। आह्वान का अर्थ होता है पुकारना, जो बादल को संबोधित है। कविता में उन्होंने बादल के दो रूप दिखाए हैं। एक तरफ तो बादल को पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करता है, तो दूसरी तरफ वो गर्मी को दूर करता है। बादल को कवि के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि ये अपने नए नए विचारों से, नई कल्पनाओं से नई सृजन करेंगे और नया अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव, इसका अर्थ है विनाश। जब हमें कुछ नया करना होता है, कोई नई चीज स्थापित करनी होती है, तो पुराने को हटाना पड़ता है। विप्लव यानी विद्रोह, क्रांति, चेतना, उसको भी लोगों के बीच जागृत करना, नई चेतना को जगाना, ऐसा काम भी जो संभव कर सकता है, उस कवि के रूप में भी बादल को वे देख रहे हैं। तो दो अर्थों में यह कविता आपको पढ़ने को मिलेगी। व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। जीवन के हर पहलू को उसने अध्ययन किया है और उसके बारे में वे चर्चा करते हैं। कविता में ललित कल्पना, ललित का अर्थ होता है सुंदर या मनोहारी, तो सुंदर कल्पना आपको मिलेगी। इस कविता में इतिहास को खंगाले तो हम देखेंगे कि जितनी भी क्रांतियां हुए उनमें लेखक का भी योगदान होता है, और भारत आज़ादी मिलने से भी इस साहित्यकारों अपना योगदान है, क्योंकि साहित्यकार अपनी कलम से, जो कि कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, तो लेखक के लेखन में कितनी शक्ति होती है कि वे चाहे तो सोए हुए जो व्यक्ति हैं, यानी जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं, उनमें देश प्रेम की भावना जगा सके। तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का शीर्षक है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश। जिस प्रकार के किसान जो है वो बादल को देख करके उसको एक उत्साह होता है, जोश आ जाता है, बच्चे खिलौने को देख करके उत्साहित हो जाते हैं, तो उसे उत्साह कहते हैं, यानी जोश। कवि यह कहते हैं कि बादल गरजो। बादल गरजो का अर्थ हुआ कि कवि बादल से कहते हैं कि तुम गरजो। आज जो समय है वो रिमझिम बरस के फुहार से इस धरती को तृप्त कर देने वाला समय नहीं है। उससे वह फुहार या रिमझिम काफी नहीं होगी, तुम्हें गरजते हुए बरसना पड़ेगा। गरजना इसलिए है कि जो लोग हताश हो चुके हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं, सो चुके हैं, निराश में बेसुध हैं, उन्हें तुमको जगाना है। तो तेज आवाज में गर्जना करो, अपनी गर्जना से उन्हें संकेत दो, उन्हें सचेत करो कि अब आशा की किरण फैल रही है, तुम वहां उपस्थित हो, जल्दी ही वर्षा होने वाली है, गर्मी से राहत मिलने वाली है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि यहाँ कह रहे हैं कि घेर घेर घोर गगन यहाँ धाराधरो,
यहाँ अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है और साथ ही घेर घेर में पुनरुक्ति अलंकार भी है। तो देखें कि छायावादी कवियों की जो विशेषता है, वे प्रकृति से तो प्रेम करते हैं, उनकी अपादान भी अपनी कविता में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी भाषा सरल और सहज भी, और उनके साथ साथ कविता में अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है, संगीतात्मकता मिलती है। धाराधर तेज प्रवाह से भरता हुआ पानी, उसको धारण करने वाला कौन है? बादल। बादल का दूसरा नाम धाराधर भी है। ओ धाराधर, इस पूरे आकाश को घेर लो, इस पूरे आकाश पर छा जाओ। कवि कहते हैं कि इस पूरे आकाश पर छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर। उनकी छवि का, उनके स्वरूप का, बादलों के रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह बहुत सुंदर मनोहारी कारे घुंघराले बादलों, तुम बाल कल्पना की भांति पाले हुए हो, पले हुए हो। मतलब उनका जो स्वरूप है वे बाल कल्पना के रूप में है। यहाँ पर बच्चे से है, जैसे बच्चे की कल्पना होती है अनगर, मतलब इसका कोई अस्थाई रूप नहीं होता है, वह बदलती रहती है। इसके जो सोच है, विचार होते हैं, वह तेजी से बदलते रहते हैं, वह नई नई कल्पनाएं रचता है, उनकी कल्पना के रूप बदलते रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार ये बादल भी है, उनके रूप बदल रहे। वे कह रहे हैं कि सुंदर काले घुंघराले बाल, घुंघराले का अर्थ होगा जो घुंघर के समान होगा, गोल गोल वैसे इस बच्चे के बाल है। घुंघराले तो काले घुंघराले बच्चों की कल्पना के समान रूप लिए हुए बादलों। फिर आगे भी कह रहे हैं कि विद्युत मतलब बिजली, छवि उड़ में, तो बादलों जो काले हैं, सुंदर है, घुंघराले हैं और बच्चे की कल्पना के समान है, उनके हृदय में विद्युत यानी बिजली की असीम ऊर्जा भरी है। उनके हृदय में बिजली है, जब दो बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है। यह बिजली इतनी ऊर्जावान होती है कि धरती को चीर सकती है। तो ऐसी बिजली अपने भीतर समाये रखने वाले बादल, तुम उस कवि की भांति हो जो नई कविता लिखेगा। तो वो बादल को कवि के रूप में देखते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गर्जो। वज्र छिपा, वज्र के दो अर्थ हैं, यह संस्कृत शब्द है। एक अर्थ होता है हथियार यानी शस्त्र, और दूसरा अर्थ है आकाशीय बिजली। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को छुपा के रखो और उनको एक कविता में रच दो। वे कहते हैं कि निरुत्साह निराश लोगों में अपनी नई रचना द्वारा आशा भर दो, नई ऊर्जा भर दो। बादल गर्जो, बादल गर्जो यानी बादल तेज गर्जना के साथ गर्जो और अपनी उपस्थिति का संकेत दो, ताकि लोगों में उत्साह भर जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गर्जो। तो यहाँ गर्मी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो गर्मी के मौसम में भी निदाग यानी गर्मी इस सकल सारे सारे इस विश्व में गर्मी से सारे लोग बेहाल थे, व्याकुल थे, अनमन थे, उनका मन एक जगह नहीं टिकते थे, और अज्ञात दिशा से आए आसमान पर छाए हुए बादल जिसका कोई अंत नहीं है, किसका अंत नहीं होता है? आकाश का। आकाश के बादल, तुम कहाँ अज्ञात दिशा से आ गए हो, तुम लोगों में उत्साह भर दो। तप्त धरा, गर्मी से तपती हुई धरती को बरसात के पानी से बरसो और इस तपती धरती को शीतल कर दो। कवि कहते हैं कि बादल तुम गर्जो, तो उन्हें ऐसी कविता लिखनी है जो नई चेतना के कवियों को कह रहे हैं कि अपनी रचना से लोगों में उत्साह भर दो, उनमें आशाएं भर दो,
ताकि उनके कष्ट दूर हो सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही है का अर्थ होता है सच समा नहीं रही। फागुन का महीना अन्य महीनों से अलग है और इस महीने में बसंत की ऋतु भी आती है। तो बसंत के मौसम में कैसा रहता है? बसंत के मौसम में फूल खिलते हैं, तितलियां मंडराती दिखती है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी महसूस होती है, हर जगह सुहावना दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति का मन खुश है तो उसे हर जगह खुशी दिखाई देती है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। फागुन आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, आभा मतलब शोभा। तो जो फागुन की शोभा है उनके तन, जो फागुन का शरीर है, शरीर क्या है? संपूर्ण वातावरण। फागुन का शरीर क्या है? संपूर्ण वातावरण। सट नहीं रही, इसमें समा नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि फागुन का सौंदर्य इतना सुंदर है कि पूरे वातावरण में समा नहीं रही है, सुंदरता से भरपूर है, मानो इस धरती में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहते हैं कि जब भी सुगंधित हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे चारों तरफ हवा बह रही हो। उड़ने को नव में तुम पर पर कर देते हो। कवि कहते हैं कि फागुन का भी मन करता है कि वे पंख लगाकर आकाश में उड़े जैसे पक्षी उड़ते हैं। वे कह रहे हैं यहाँ पर अपने मन के भावों के बाद भी कह रहे हैं कि जब मन बहुत अधिक प्रसन्न होकर ऊंचे आकाश में उड़ना चाहती है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि इस सारे नजारे को देखते हुए मन इतना प्रसन्न हो रहा है कि इसे अपलक देखने का मन करता है, इसे आंखें हटाने का मन ही नहीं करता, और आंखें बंद भी कर लूँ तो मन को मैं सारा दृश्य दिखाई देता है। तो इतना सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित है कि सारा दृश्य कवि अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। चाहे भी तो मन से दूर नहीं कर सकते। चारों ओर रंग बिरंगे फूल हैं, नए नए पत्ते हैं। अगर ऐसा है कि कभी किसी वृक्ष के गले में पुष्प की माला दिखाई देती है, हर जगह जगह उन्हें सुंदरता ही दिखाई दे रही है, शोभा ही दिखाई दे रही है।